विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में सावन अष्टमी मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस मेले के दौरान बेहतर सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मेला अधिकारी विनय कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ सहायक महिला अधिकारी अनिल चौहान और भाजपा कार्यकारिणी सदस्य मंदिर न्यायिस संतोष शर्मा भी मौजूद रहे। हालांकि ये समापन समारोह मंदिर न्यायिस की धर्मशाला में मनाया गया, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और मेला अधिकारी विनय कुमार ने मंदिर न्यायिस की तरफ से अधिकारियों को फोटो व चुनरी भेंट करके सम्मानित किया। विनय शर्मा ने इस मौके पर कहा कि श्रावण अष्टमी मेला सुख शांति के साथ संपन्न हुआ। लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस मेला में माता जी के दर्शन किए और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत का फल है ये मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। जबकि भाजपा कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा ने जहां पर अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से मेला पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, जिसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले सावन अष्टमी मेला में और भी बेहद सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा यहाँ मिल सके। आयोजन था और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मैं जब भी जहाँ भी सुबह कभी भी कहीं भी ड्यूटी पे गया, मुझे वहाँ पे मौके पे हमारे पुलिस के चाहे ड्यूटी पे स्टाफ है, चाहे हमारे होमगार्ड्स के स्टाफ हैं, चाहे हमारे और एनजीओ से जो सेवा दल के लोग आए थे वो हैं, मुझे हर वक्त जो है वो तत्परता से अपनी ड्यूटी पे कार्य करते हुए मिले। और मैंने बहुत से लोगों से सुना, मैं वैसे लोगों के बीच में घूमता रहा, मैंने बहुत से सुना हुआ तो लोग बोलते हैं कि बहुत